हेलो एंड वेलकम टू द सेकेंड टॉपिक ऑफ डेली स्कैन यहाँ पर अपन आई की बात करेंगे दैट इज इंडिया पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पैरिटी ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि आई के कंट्रीज जिसमें इंडिया भी एक मेंबर है वो एक सप्लाई चेन रेजिलियंस मेंटेन करने के लिए एक एग्रीमेंट पर आ चुके हैं अब इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि आई होता क्या है क्या है कब बना क्या इसके इम्पॉर्टेंट पिलर्स थे और इस एग्रीमेंट का क्या इशू है कैसे ये इंडिया और अदर कंट्रीज़ को हेल्प करेगा इज इट डिक्टेटेड अगेंस्ट चाइना और इन जनरल ये सारे इश्यूज के बारे में अपन बात करेंगे तो सबसे पहले अपन बात करते हैं आईपीईएफ ठीक है हुआ ऐसा कि पीयूष गोयल जो इंडिया के यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हैं उन्हें ए समिट के लिए इन्वाइट किया गया था वो इसके मेंबर नहीं है फिर भी उन्हें इन्वाइट किया गया और वहीं पर आई की भी मीटिंग हुई जहाँ पर यूएस के जो काउंटर पार्ट थे कॉमर्स सेक्रेटरी और इंडिया के पीयूष गोयल ने एक एग्रीमेंट साइन किया आई के कंट्रीज के साथ मिलकर अब इस सप्लाई चेन रेजिलियंस एग्रीमेंट क्या है और कैसे हेल्प करेगा उसको सिंपल सी बात अपन समझते हैं कि सप्लाई चेन होता क्या है सिंपल सी बात है सप्लाई चेन पूरा का पूरा एक लॉजिस्टिक अरेंजमेंट है जहां से मुझे सपोज दिस इज द इंडस्ट्री इस इंडस्ट्री में कुछ बैकवर्ड लिंकेज होगी और कुछ फॉरवर्ड लिंकेज होगी तो बैकवर्ड लिंकेज में दिस इज द इंडस्ट्री सारे के सारे मटेरियल्स आते हैं फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल्स इलेक्ट्रिसिटी ये सारे के सारे मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द प्लेस वेयर इट इज फाउंड टू द साइट ऑफ इंडस्ट्री से फाइनली इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर किया जाएगा एंड फाइनली ट्रांसपोर्टिंग इट टू द फाइनल मार्केट ये पूरी फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज का पार्ट बनता है सप्लाई चेन अब सप्लाई चेन का इंपॉर्टेंस लोगों को कोविड के समय पता चला सबसे पहले कोविड चाइना में स्ट्रक किया था और इसकी वजह से जो मेजर सिटीज ऑफ चाइना थी उनमें कंप्लीट लॉकडाउन लग गया था इसकी वजह से हुआ क्या कि कंट्रीज को बहुत एसेंशियल कॉमोडिटीज जैसे कि फार्मास्यूटिकल के ए जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के इनकी डेफिशिएंसी हुई बहुत सारे क्रिटिकल कंपोनेंट्स की भी हर प्रॉब्लम में प्रॉब्लम हुई एक प्रॉब्लम जो अभी तक अपन फेस कर रहे हैं वो है सेमीकंडक्टर्स। ये अभी तक अपन फेस कर रहे हैं जिसकी वजह से मोबाइल ऑटोमोबाइल्स लैपटॉप सभी के सभी प्रॉब्लम में सारी के सारी इंडस्ट्री प्रॉब्लम में है प्राइस बढ़ रही है तो कंट्रीज ने रिलाइज किया कि ग्लोबली चाइना पर डिपेंडेंस सप्लाई चेन का बहुत ज़्यादा है देयर फॉर जरूरत है कि हमें सप्लाई चेन को चाइना से केवल चाइना पर ना डिपेंड होकर चाइना के अलावा भी एक सप्लाई चेन डेवलप करना चाहिए इसे चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी भी कहा जाता है दिस यू वुड रीड इन न्यूज पेपर वेरी ऑफन अब फायदा क्या होगा इससे सबसे पहली बात तो क्लियर है कि एक कंट्री के ऊपर डिपेंडेंस कम होगा तो यदि कभी चाइना में प्रॉब्लम आती है जैसे कि कोविड या तो चाइना चाहे तो हम कोर्स कर सकता है जैसा कि ऐसा कोविड के समय हुआ था जब ऑस्ट्रेलिया ने कोविड की ओरिजिन का लेकर एक यूएन में प्रपोजल सपोर्ट किया था तो बिकॉज ऑस्ट्रेलिया और चाइना का ट्रेड बहुत ज्यादा है ऑस्ट्रेलिया बहुत सारी चीजों के लिए चाइना पर डिपेंडेंट है तो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर सीवियर सैंक्शंस लगा दिया था ऑस्ट्रेलिया के एक्सपोर्ट जो चाइना में जाते हैं उन्हें बहुत हाई टैरिफ फेस करना पड़ा था ऐसा ही कुछ 2014 में भी किया था जापान के साथ चाइना में जब जो इम्पॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं जैसे कि जो सेमी कंडक्टर्स में यूज होते हैं उनके लिए जब रिगार्डिंग आइलैंड और डिस्प्यूट हुई थी टेरिटोरियल डिस्प्यूट तब सारे के सारे इंपॉर्टेंट मिनरल्स का सप्लाई चाइना ने जापान के लिए रोक दिया था ऐसे कई इंसिडेंट हो चुके हैं और इन सब से रिलाइज हुआ कि, कि किसी भी एक कंट्री पर डिपेंडेंस हमें रोकना पड़ेगा दैट्स नंबर इसके अलावा इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन का भी इशू है जैसा अपन ने कोविड में देखा था चाइना से दूर जाने की क्योंकि चाइना की एक आदत है अपन ने देखा इंटरनल पॉलिटिक्स में कई सारी कंट्री में इंटरफेयर करता है प्लस रिसेंटली एक इमरजेंट चाइना आ रहा है जो बहुत तरीके से कोर्सिव मेशर्स यूज करता है ऐसा कोर्सिव पर्टिकुलरली साउथ चाइना सी के नेबर्स में देखा गया है ठीक है तो चाइना अपने गोल्स को फुलफिल करने के लिए ऑफन कंट्रीज को मैनुपलेट करता है कोर्स करता है इसकी वजह से जरूरत है यदि प्रोडक्शन डाइवर्ट होगा तो अलग अलग जगह जहां डाइवर्ट होगा उनको बेनिफिट्स मिलेगा दैट इज वेरी सिंपल तो जैसे फॉर एग्जाम्पल एप्पल का मैन्यूफेक्चर मैन्यूफेक्चरिंग चाइना से इंडिया में शिफ्ट होता है तो इंडिया की जीडीपी बढ़ेगी तो इंडिया को इसका लाभ मिलेगा दैट इज वेरी ऑब्वियस और एक मेजर इशू यह है कि 2000 जब अभी ट्रंप का समय था तो एक ऐसा टाइम देखा गया जब यूएस खासकर एशिया एशियान एरिया से रिसीड कर रहा था यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं ले रहा था अफगानिस्तान से भी विड्रॉल हुआ एशियान कंट्रीज में भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का जो सपोर्ट था वो कम मिला तो यूएस एक तरीके से जो सिक्योरिटी प्रोवाइडर है इन द एशियान रीजन उसकी वैल्यू कम हो रही थी उसकी क्रेडिबिलिटी कम हो रही थी इस initiative के जरिए यूएस एक बार फिर से अपना दबदबा इस एरिया में बढ़ाना चाह रहा है ठीक है एंड इट इज ट्राइंग टू एश्योर इट्स वाइटल पार्टनर सबसे बड़ा इस एरिया में जो अलाई है यूएस का वो है सिंगापुर फिलीपींस उसके बाद जापान भी है ये सारे के सारे अलाय है इनको एश्योर कर रहा है कि इन केस ऑफ कंफ्लिक्ट विथ चाइना यूएस इज देयर टू स्टैंड दिस इज द बैकड्रॉप इसके बाद सिंपल सी बात है कि यदि कहीं पर भी अच्छे रिलेशनशिप डेवलप होंगे तो वो इन्वेस्टमेंट में ट्रांसलेट होंगे दिस इज वेरी सिंपल एज दैट बहुत ही फंडामेंटल है ग्लोबलाइजेशन 2.0 जैसे कि अभी अपन क्या कर रहे हैं बहुत डब्ल्यू है ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन ये डिफंक्ट पड़ा हुआ है ये काम नहीं कर रहा है इनकी जो अपीलेट ट्रिब्यूनल उसमें कोई भी जजेस अपॉइंट नहीं हुए हैं डब्ल्यू काम नहीं कर रहा है ग्लोबलाइजेशन टेकन हिट, एच ओ सबकी क्रेडिबिलिटी एट एन ऑल टाइम लो है तो ऐसी जरूरत में जब टैरिफ और ट्रेड वॉर भी बढ़ रहे हैं तो कुछ लाइक माइंडेड कंट्रीज होनी चाहिए जो साथ बैठकर रूल्स बनाए उसमें यहाँ पर एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसलिए इनका इंपॉर्टेंस है इसके बाद सिंपल सी बात है आप इंडो पैसिफिक देखे होंगे तो ये एक सेंटर बन चुका है सारी की सारी कंट्री चाहे वो यूरोपियन यूनियन हो चाहे वो यूएस हो चाहे वो कैनेडा हो हर कंट्रीज अपनी अपनी इंडो पैसिफिक पॉलिसीज लॉन्च कर रहे हैं क्योंकि इन कंट्रीज से इनका इंटरलिंकेजेस बहुत ज्यादा है चाहे वो चाइना हो चाहे एशियान हो चाहे इंडिया हो सारा का सारा वर्ल्ड का इंटर डिपेंडेंस इन पार्टनर्स पर बहुत ज्यादा है ट्रेड बहुत ज्यादा है तो एवरी कंट्री इज फॉर्मुलेटिंग इंडो पैसिफिक को ध्यान में रखते हुए अपनी पॉलिसीज को फॉर्मुलेट कर रही है इन सारे रीजन की वजह से इसका बहुत महत्वपूर्ण है सप्लाई चेन रिजिलियंस का इंडिया पर्टिकुलरली इससे इन सारे के सारे अरेन्जमेंट से फायदा उठा सकता है यदि अपने कार्ड्स को सही प्लेस करे और जो एंटी चाइना सेंटीमेंट है उसको डाइल्यूट हुए बिना अपना कंप्लेसेंसी नहीं आने देते हुए इसको प्रो इंडिया सेंटीमेंट मतलब कि सारा का सारा जो इन्वेस्टमेंट है अपनी तरीके की तरफ शिफ्ट करता है कुछ भी शिफ्ट कर पाता है तो वो बहुत बड़ा अचीवमेंट हो सकता है तो फ्रॉम द पॉलिसी मेकर्स फ्रॉम द टॉप जरूरी क्या है अपॉर्चुनेट टाइम जब इंडिया को अपनी पॉलिसीज फेवरेबल बनाना चाहिए जो आई टाइप के फोरम्स हैं इनमें पार्टिसिपेट करना चाहिए और अपनी ट्रेड पॉलिसीज को उनके अकॉर्डिंग बनाकर इस एंटी चाइना सेंटीमेंट को अपने फेवर में यूटिलाइज करना चाहिए दैट इज अ फ्रेमवर्क अब आईपीएफ की बात करते हैं अपन सबसे पहले ये है क्या तो बहुत पुराना ऑर्गेनाइजेशन नहीं है 2022 में ही ये जापान में फॉर्म हुआ था क्वाड जो था उसकी इनिशिएटिव हुई थी यहां पर मीटिंग हुई थी उसी क्वाड के इनिशिएटिव के समय आईपीएफ बना तो क्वाड था इंडिया इज अ तो इंडिया वुड आल्सो बी फाउंडिंग मेंबर ऑफ आईपीई ठीक है अब यदि आप देखेंगे आ, ये इंडो पैसिफिक रीजन की ही बात कर रहा है तो देर आर टू ऑर्गेनाइजेशन अपन ने आज बात की है एक है ए और एक है आई ये दोनों कंट्रीज जो है मेजरली सिमिलर है कुछ डिफरेंसेस हैं वो यदि अपन देखें तो एक नंबर वन है इंडिया इज द मेंबर ऑफ आईपीएफ रशिया चाइना जो ए के मेंबर्स हैं वो यहां पर नहीं है इसके अलावा पी एनजी है कैनेडा मैक्सिको चिली एंड पेरू एंड चिली ये सारी कंट्रीज मेंबर नहीं है इसमें से जो सबसे क्रिटिकल जो एबसेंट है वो है चाइना तो लोगों का मानना ये है एनालिस्ट लोगों का ये मानना है कि ए जो फोरम है जिसमें इंडिया ने बहुत बार एंट्री की एप्लीकेशन दी है बट उसमें इंडिया को एंट्री नहीं मिल पाई है देयर फॉर एपेक को सब्स्टिट्यूट करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया आईपीईएफ ताकि इंडिया को मौजूद करा जा सके उसमें इंक्लूड किया जा सके और चाइना को एक्सक्लूड किया जा सके दिस इज व्हाट एनालिस्ट से और यदि आप एक और बात आ, समझेंगे कि इन द 1980s जब 89 में एपेक का फॉर्मेशन हुआ तब जो एशिया पैसिफिक था वो एक इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल थिएटर था बट अभी के टाइम पर बाय द टाइम ऑफ 2020 के बाद से इंडो पैसिफिक हैज बिकम द न्यू जियोपॉलिटिकल थिएटर तो इस जियोपॉलिटिकल थिएटर में इंडिया का प्रेजेंस मास्टर है इस वजह से कई लोग मानते हैं कि आईपीएफ का को गठन किया गया को फॉर्म किया गया ठीक है यदि आप स्टैटिस्टिकली देखें तो डेफिनेटली इसका कॉन्ट्रीब्यूशन जी और ट्रेड में कम होगा क्यों क्योंकि चाइना चाइनाट है ए में ये फोर्टी एट से फिफ्टी परसेंट है दिस इज व्हाट इज अ डिफरेंस तो इस वजह से आईपीएफ का फॉर्मेशन हुआ ठीक है अब यदि अपन इसी में देखें तो इनका जो आईपीएफ देखें ये चार पिलर्स पर रेस्ट करती है सबसे पहले चार पिलर्स बोल सकते हैं मतलब इनके चार मेजर गोल्स हैं जो अचीव करना चाह रहे हैं सबसे पहले ट्रेड है तो ट्रेड में क्या होगा कि इंक्लूसिव ट्रेड हो ज्यादा से ज्यादा इंटरकनेक्टेड हो इंटरकनेक्टिविटी बिटवीन द कंट्रीज को बढ़ाया जाए ताकि म्यूचुअल बेनिफिट हो यही होगा ट्रेड का गोल यदि अपन सेकंड पिलर में जाते हैं दैट इज सप्लाई चेन जिससे रिलेटेड अभी एग्रीमेंट हुआ तो जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने आई जब बना था तो थ्री टी सैक्रोनिम दिया था इसका मतलब था टी फॉर ट्रस्ट ट्री फॉर ट्रांसपेरेंसी एंड टी फॉर टाइम टाइमली तो सप्लाई चेन ऐसी होनी चाहिए मतलब कि सारे के सारे एजेंडा चाहे वो रॉ मटेरियल्स हो चाहे वो क्रिटिकल मिनरल्स हो चाहे वो फाइनल प्रोडक्ट हो सब में सप्लाई चेन शुड बी ट्रस्टवर्दी टाइमली एंड ट्रांसपेरेंट इसी इनिशिएटिव को आईपीएफ ने अभी के एग्रीमेंट से मटेरियलाइज कर दिया है थर्ड अपन बात करें, वो है क्लीन एनर्जी का तो जरूरत क्या है पेरिस एग्रीमेंट को फुलफिल करने का जो बात है उसी में ये किया गया है कि जो पेरिस एग्रीमेंट है उस एजेंडा को अपन फॉलो करें ग्रीन हाउस गैसेस को लिमिट करें ट्रेड बढ़ाते हुए ग्रीन इकोनॉमी को भी ध्यान में रखा जाए दैट इज द एजेंडा फोर्थ है टैक्स एंड एंटी करप्शन मतलब कि अपन लिबरल रजीम को स्टैब्लिश करें हर सरकार में जहां करप्ट ना हो इंटरनेशनल रूल्स के अकॉर्डिंग हो और इक्वल ट्रीटमेंट अमंग डिफरेंट कंट्रीज हो मतलब यदि कोई यूएस का हो कोई इंडिया का हो सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिले म्यूचुअल कंट्रीज में दैट इज वॉट द एजेंडा इज अबाउट आईपीएफ अब यदि अपन आईपीएफ की बात करें बट इट फॉलोज अबलोच मतलब कि सपोज इंडिया हैजम अम्बर ऑफ आईपीएफ तो वो जिस भी एजेंडा में जाना चाहे उन पिलर में असीड कर सकता है तो यदि चाहे तो एक दो तीन चार सब में असीड कर सकता है तो इंडिया ने केवल और केवल थ्री पिलर में इनको असीड किया है ट्रेड का पार्ट नहीं है इंडिया रीजन बिंग यहां पर इस रूल्स में क्या बोला गया है कभी भी आप देखोगे ट्रेड के रूल्स में जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो ज्यादा हायर लेबर स्टैंडर्ड्स इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स और डेटा के स्टैंडर्ड्स डेटा के फ्लो को बढ़ाना चाहती हैं लेबर स्टैंडर्ड्स ज्यादा करना चाहती हैं अब यदि स्टैंडर्ड्स बढ़ाया गया तो वो डेवलप्ड कंट्रीज के हिसाब से यदि बढ़ाया गया उसका क्या रिपरक्यूशन होगा इंडिया के बहुत सारे प्रोडक्ट्स उन स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं कर पाएंगे हम एक डेवलपिंग इकोनॉमी है इस वजह से इंडिया डिड नॉट बिकम अ पार्ट ऑफ ट्रेड पिलर इन IPEF अब यही आप देखेंगे तो सबसे बड़ी लिमिटेशन भी है IPEF की ठीक है और फ्लेक्सिबिलिटी का सेकंड इशू अपन समझते हैं तो ये बहुत ही एक ओपन फोरम है ऐसा आ, इनके चार्टर में लिखा है कि यदि कोई फ्यूचर कंट्री इसमें एक्सपैंड करना चाह रही है तो ये ओपन है एक्सपैंड करने के लिए एंड जिस पिलर में चाह रही है उन पिलर्स में एसेट कर सकती है नेक्स्ट पॉइंट यदि अपन देखें लिमिटेशंस तो एक लिमिटेशन अपन ने ऑलरेडी बात कर ली कि इनका कोई बहुत एक्सट्रीम रिजिड अप्रोच नहीं है तो इस वजह से क्या हुआ कि इंडिया जैसी कंट्रीज कई पिलर्स से बाहर हो गई हैं ठीक है अब एक मेजर जो अप्रोच है कि जैसे APAC का यदि आप देखेंगे तो उनका एम जो था फ्री ट्रेड फॉर्मुलेट नहीं करना है तो इतने स्ट्रॉन्ग जो टैरिफ रिडक्शन प्लान है जो लेबर स्टैंडर्ड्स हैं इनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स है डेटा प्रोटेक्शन स्टैंडर्ड्स हैं डेटा लोकलाइजेशन को कैंसिल करने के स्टैंडर्ड्स उनको क्यों लगाया जाए आपको बेसिकली एफ नहीं कर रहे हो तो यू आर नॉट गिविंग मार्केट एक्सेस टू कंट्री बिना मार्केट एक्सेस दिए इंडिया जैसी कंट्री को कोई फायदा नहीं हो रहा है तो हम इतने हायर स्टैंडर्ड्स में अभी क्यों जाए ठीक है दैट इज वन मेजर इशू इसीलिए इसको माना जा रहा है कि ये बोल चाल का ज्यादा फोरम है और जो काम ऑन ग्राउंड होगा वो बहुत लिमिटेड होगा और यदि आप एपैक से ही कंपेयर करें तो पैक में क्या था कंट्रीज की जगह वहां पर इकोनॉमीज था इसी वजह से आप देखोगे ताइवान इसी वजह से आप देखोगे होंगकॉन्ग कुड बिकम द मेंबर ऑफ ए पैक यहां पर कंट्रीज लिखा है कंट्रीज लिखा है तो प्रॉब्लम क्या आई ताइवान जो मेजर एक सेमीकंडक्टर का एक्सपोर्टर है हार्डवेयर का इनका इनमें प्रेजेंस बहुत ज्यादा है ये इसका पार्ट नहीं है तो सप्लाई चेन में सेमीकंडक्टर एक प्राइम इशू का मुद्दा है उसमें ताइवान ही पार्ट नहीं है एक मेजर इशू होगा क्या हम सप्लाई चेन बिना ताइवान का सेमी ओवर कर कर पाएंगे कभी भी नहीं एटलीस्ट नॉट इन द प्रेजेंट टाइम उसके बाद जैसा अपन ने पहले ही बात की थी चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी है लेकिन चाइना को रिप्लेस करना आसान नहीं है खासकर प्रेजेंट इकोनॉमिक कंडीशन में जहां पर मैन्युफैक्चरिंग में चाइना इज स्टिल द वन ऑफ द चीपेस्ट बहुत तरीके के बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है चाइना जो अभी भी कंट्रीज लाइक इंडिया फेल टू प्रोवाइड तो चाइना को रिप्लेस करना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा अब यही इशू अपन बात कर चुके हैं मार्केट एक्सेस नहीं दे रहे हैं ठीक है दैट इज ऑल अबाउट दिस इश्यूज हालांकि ये एक इंपॉर्टेंट फोरम है जो नेगोशिएटिंग और रूल्स मेकिंग बॉडी को बहुत ज्यादा आगे बढ़ाता है ठीक है दैट इज ऑल फॉर दिस टॉपिक अपन ने दोनों टॉपिक एपाक प्लस आईपीई को डील कर लिया है दीस आर टू वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चन इन द कमिंग विद रिगार्ड्स टू द टू थैंक यू हैव अ नाइस डे